हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। आपका सीआरपीएफ भर्ती 2020 से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे कि सर एनओसी कैसे बनवाना है, एनओसी का क्या करना है, मुझे एनओसी भरना है या नहीं भरना है। बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों की आ रही हैं कि सर कि क्या करना है, जो डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है क्या, ये डिपार्टमेंट के लोग ही भर सकते हैं क्या। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके अगर एनओसी नहीं बना के भी भेजते हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एनओसी नहीं भी बना के भेजते हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एनओसी उनके लिए चाहिए जो सीआरपीएफ के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अगर आप बना के भी भेजते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उनके पास ये प्रूफ रह जाएगा कि ये बंदा ये बना जहाँ से भी है इन्होंने एनओसी बना के भेजा है। अब ये बात आती है कि ये जो बना के भेजना है कहाँ से बना के भेजना है, ये किस प्रकार से बना के भेजना है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन भाई लोग। नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आपका 6 मार्च लास्ट डेट था, 6 मार्च आपका लास्ट डेट है इसका। तो याद रहे फ्रेंड्स, ये इसके अकॉर्डिंग ये बात बताई गई थी। और नीचे जस्ट जैसे आएंगे हम लोग, नीचे जस्ट आने के बाद ये फॉर्म है आपका, फॉर्म को भर लेंगे आप। तो एनओसी देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, जो भी कैंडिडेट्स विजिलेंस एंगल एंड नो डी, जो भी क्रिमिनल केसेस इज पेंडिंग और बीइंग कंटेम्पलेटेड ओके अगेंस्ट हिम और हर, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो है ना क्लू आपको सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है, ये हेड ऑफिस का सिग्नेचर चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलेंगे सर सीआरपीएफ के हेड ऑफिस से ये करवाना है क्या, नहीं करवाना है आपको, ये आपको पुलिस ऑफिस पुलिस क्वार्टर्स से करा दीजिए या पुलिस स्टेशन से करा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग पासपोर्ट का बनाने जाते हैं, पासपोर्ट में भी आपको एनओसी मांगता है, और वो एनओसी आपको बना के लेके जाना होता है कहाँ से, पुलिस स्टेशन से। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रूफ रहता है कि ये प्रूफ इसके अकॉर्डिंग काम करेगा कि नहीं, ठीक है। अगर ये प्रूफ उनके अकॉर्डिंग काम करेगा तभी आपका पासपोर्ट बन पाता है। उसी प्रकार ऐसा ही सीआरपीएफ द्वारा ही किया जा रहा है। तो सीआरपीएफ के हर एक एंगल को पढ़िएगा तभी आप इसको अच्छे से सिग्नेचर करवाइएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपको बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे सर ये डिपार्टमेंट कॉपी जो है ना मुझे भरना है क्या, नहीं आपको ये नहीं भरना है। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स कॉपी, ठीक है, अभ्यर्थी के प्रति। इसमें आपको नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर फादर्स का नाम लिखना है, जेंडर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, कैटेगरी जो भी है लिख दीजिएगा, शायद ये टाइम ऑफ एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम सेंटर्स के एड्रेस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स मस्ट कैरी अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू इंडिकेटेड अबव। तो अगर आपका जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो आपका ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड आने वाला है, उसमें आपको बताया क्या गया है कैंडिडेट्स मस्ट कैरी अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्लास 10, ठीक है, आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी होगी, बस एक जेरोक्स कॉपी लेके जाइएगा क्लास 10 का, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइए। कैंडिडेट शुड फिल अप द कॉलम्स ऑफ द एडमिट कार्ड एक्सेप्ट रोल नंबर डेट, यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम। कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द कॉलम्स ऑफ द एडमिट कार्ड। तो अभी जब भी आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड जब भी जारी होंगे तो ये देखिए, अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ कि जो कैंडिडेट्स कॉपी है ना ये कब लेके जाना है आपको, ठीक है, कब लेके जाना है, आपके एग्ज़ाम टाइम पे लेके जाना है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं था, आपको क्लियर कर देता हूँ। कैंडिडेट शुड फिल अप द कॉलम्स ऑफ द एडमिट कार्ड एक्सेप्ट रोल नंबर डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम। तो रिपोर्टिंग टाइम सारे के सारे आपको कैंडिडेट्स कॉपी, मतलब क्या होता है कि एडमिट कॉपी तो आता है, डिपार्टमेंटल का कॉपी आपके पास रहेगा ही ये जो, बट जब भी कैंडिडेट्स कॉपी मांगा जाता है तो कैंडिडेट कॉपी में आपका एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन जो भी दे रखा है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जब भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपको लेके जाना होगा, तब ये कॉपी लेके जाइएगा, इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ से ये पेज जो है आपका कट कर लीजिएगा, ठीक है, ये पेज कट कर लीजिएगा, ये पेज को ही लेके जाना है। एग्ज़ाम सेंटर का क्या है एड्रेस, और एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस क्या है, टाइम ऑफ एग्ज़ाम क्या क्या है, डेट क्या दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम कितने टाइम का दे रखा है, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी लगा दीजिएगा, कैंडिडेट्स सिग्नेचर के भी लगा दीजिएगा, ये आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अर्थात लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र, ये उसी के लिए लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र है, अभ्यर्थी की प्रति कॉपी कैंडिडेट्स कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला, इट शुड बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। तो आपको बताया गया है कि ऑब्वियसली एडमिट कार्ड के बगैर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज में भी बताया गया है कि आपको किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप आवेदन कर रहे हो तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िएगा तभी आप उसको आवेदन को भरिएगा, ठीक है।
अभी हमारा क्या काम क्या होता है कि जब भी आपको फॉर्म भरवाना होता है तो फॉर्म हम भरवा देते हैं। फॉर्म भरवाने के बाद अभी नेक्स्ट जो स्टेज होता है, नेक्स्ट स्टेज, उसमें बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज होती हैं कि ये सर कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए ना, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम का शेड्यूल बनता है, एग्ज़ाम के डेट्स बनते हैं, तो अभी हम लोग सारे के सारे पढ़ा देंगे, आपको खुद तो पढ़ना होगा ना, बिना पढ़े आपको कैसे एग्ज़ाम दोगे। उसी प्रकार क्या करते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी के सभी आपको ऑफलाइन कोई भी फॉर्म भरवा देते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है नेक्स्ट में वो आपको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो आपका काम है। आप भी जब भी अच्छे से ढंग से फॉर्म भरिएगा, फॉर्म में अच्छे से डिटेल में जानकारी लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपके मन में जो जो भी क्वेरीज रहेंगी, वो शंकाएं रहेंगी, कोई भी शंका ना रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्वेरीज को आपको खुद को पढ़ने देते हैं, ताकि आप पढ़कर इसमें आपको डिटेल्ड वाइज मेंशन करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।